bell icon on YouTube and never miss another update from TV Times. टीम के बाहर बहुत ही अच्छी चल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा बिग बॉस अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अच्छी चल रही है, प्यारी चल रही है, मस्त चल रही है, पर बिग बॉस की फीलिंग अभी भी चल रही है साथ में, अभी भी चल रहा है, स्ट्रैटेजीज बन रही हैं, ब्लेम्स लग रहे हैं। तो चल ही रहा है। उनकी तरफ से, मेरी तरफ से या थर्ड पार्टी की तरफ से, वो स्टेटमेंट मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे डाल दिया कि जो भी हुआ था स्टार्ट से लेकर एंड तक, तो मैंने अपनी तरफ से सारी चीजें क्लैरिफाई कर ली है। और अगर मुझे ये पब्लिसिटी के लिए, जो कि लोगों को लग रहा है या फिर मुझे ऐसी कोई चीज करनी हो, तो मुझे आई डोंट थिंक सो उसकी जरूरत है अभी, क्योंकि मैं भी इस अवार्ड को कमाना चाहती हूँ। और पहली बात तो मुझे अवार्ड नहीं, सर्टिफिकेट मिला है, अवार्ड नहीं मिला है। जो कि मुझे सर्टिफिकेट मिला, ना ही मैंने उसकी पोस्ट डाली है। मैंने सिर्फ जिस दिन मुझे मिला उसी रात मैंने स्टोरी में खींच के उसकी पिक्चर क्लिक करके डाल दी, और मैंने उसके ऊपर ये नहीं लिखा कि मुझे अवार्ड मिला या मुझे कुछ मिला, मैंने एक जस्ट पिक्चर खींच के डाल दी। और अगर ये फेक होता तो मैं क्यों बना के वो डालती खुद? आई एम एक्टर, तो मैं ये चीज़ खुद नहीं करूँगी कि मैं कहीं से कोई अवार्ड खुद बनवा के वो डालूंगी, ऐसा मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैं पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ। मेरे फैंस जो हैं वो इस चीज़ से हर्ट होंगे, और मैं भी ऐसी हूँ कि मुझे कोई भी चीज़ वैसे नहीं चाहिए जब तक मैं उसे कमाऊँ ना। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग है उनकी तरफ से भी, वो ठीक है, और हमारी तरफ से भी हम ठीक है। ये थर्ड पार्टी की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी टेक्निकल इंटायरली जो भी चीज़ें हैं वो इशू है, उनको उनकी जो इंटायरली चीज़ें हुई हैं वो गलत हुई हैं, ना कि उनकी गलती है ना ही मेरी गलती है। तो इस चीज़ में अगर मुझसे अपोलोजाइज मांगे के, तो आई डोंट थिंक सो कि वो मेरा बनता है देना। तो अब आपका क्या स्टैंड है, क्योंकि उन्होंने आज भी एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला है जिसपे उन लोग अपनी तरफ से सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं कि गलती आपके तरफ से हुई है और जो पर्सन इन्वॉल्व थे वो उनके साथ काम ही नहीं करते, उन्होंने सरासर इनकार कर दिया है। तो आप क्या कहेंगे इस पे? मुझे यही जानना है कि मेरी गलती क्या है। अगर वो सर्टिफिकेट उन्होंने मुझे स्टेज पे नहीं दिया, नीचे दे दिया, और मैंने नीचे से मेरे मैनेजर ने ले लिया और मैं गाड़ी में आकर बैठ गई, तो मेरी गलती ये थी। अगर इसको गलती कहा जाता, चलो ठीक है, मैं मानती हूँ, पर ये अवार्ड नहीं था। और दूसरी बात ये कि जिस इंसान को पहचानने से मना कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने ही सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की, हमको बुलाया, मेरे जो बाकी बिग बॉस के कंटेस्टेंट थे हम सब लोग साथ में बैठे थे, पूरी मीडिया के सामने गए थे हम। तो मुझ पे ब्लेम डालने से अच्छा है कि इंटायरली जो चीज़ें हुई हैं उसे क्लियर करो, क्योंकि मैं उन पे ब्लेम नहीं डाल रही हूँ। मैंने उन्हें कुछ गलत नहीं कहा कि आपने मेरे लिए कैसे ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया, क्योंकि मैं अभी अभी बिग बॉस से हूँ तो मुझे ऐसी कॉन्ट्रोवर्सीज नहीं चाहिए। और मेरे को अभी क्या, मुझे ज़िंदगी में कभी भी ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा क्वालिटी का काम करती हूँ, क्वान्टिटी में बिलीव नहीं करती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी काम करो, अच्छा करो, जो लोगों को पसंद आए, तो मुझे कमानी है वो चीज़। इस तरह से अपना रेपुटेशन डाउन नहीं करना, क्योंकि मैं अभी बाहर आई और मुझ पर ऐसे ब्लेम लग रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को भी ये चीज़ इंटायरली क्लीन करनी चाहिए, फिर जानना चाहिए कि हुआ क्या एग्जैक्टली, फिर मुझ पर ब्लेम डालना चाहिए, क्योंकि मेरी गलती नहीं है बिल्कुल भी, इसीलिए मैं उस चीज़ में अपोलोजाइज तो नहीं करूँगी। आपको लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप बिग बॉस से आई हैं और वहाँ पे आपको एक अलग तरीके का स्टारडम भी मिला है, तो शायद ही किसी की किसी का एक तरीका हो आपसे कोई बदला निकालने का या आपका नाम यूज करने का? मुझे इस चीज का पता नहीं, क्योंकि ये जो भी कुछ हो रहा है, मैं अभी तक उस चीज को, मेरा स्टेटमेंट भी लेट इसलिए आ रहा है बिकॉज मैं समझ नहीं पा रही हूँ ये चीज को कि ये हो क्या रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो मेरे साथ किसी ने क्या, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कुछ करेगा, जिसके मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उनकी टेक्निकल टीम की तरफ से, जो उन्हें देख लेना चाहिए, ना ही उनकी गलतियां ना ही मेरी। बट बदला वाला मुझे नहीं पता, बट ये जोन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं अभी जस्ट आई हूँ बिग बॉस से बाहर, और बाहर भी मेरे साथ बिग बॉस ही चल रहा है।
बात करें आपके एक्सपीरियंस की बिग बॉस 13 में, हाउ वाज इट एंड हाउ विल यू डिस्क्राइब इन वर्ड्स अगर आपको बताना हो तो? ब्यूटीफुल, अमेजिंग जर्नी, इतना ब्यूटीफुल. मुझे अब एहसास हो रहा है कि बिना फोन के, बिना लोगों के रहना कितना अच्छा होता है. उस घर में आप एक जगह पे रहते हो, क्या हो रहा है बाहर, क्या लोग सोचते हैं, क्या लोग बोलते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता. तो मैं उस घर को बहुत मिस कर रही हूँ अभी. कुछ फैंस के भी क्वेश्चन आए हैं तो हम एक एक करके वो भी लेना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आपके आपको बताना चाहेंगे कि आपके फैंस क्या जानना चाहते हैं आपसे. ठीक है. सो आवर फर्स्ट फैन दीना खान वांट्स टू नो वन ऑफ द टफेस्ट मोमेंट यू फेस इन द हाउस. टफेस्ट वो ये था कि जब मेरी डॉल बनाई गई थी माही नाम की और पारस वहाँ पर नहीं था, तो मैंने वो फाइट की, खुद की वो चीज़ों को मैंने किया सॉर्ट. बट पारस एक फैमिली जैसा था मेरे लिए, तो जब वो वहाँ पर नहीं था वो मेरे लिए बहुत टफ था, क्योंकि मैं कोने में जा जा के रोती थी, क्योंकि उस टाइम पे पूरा घर ही मेरे अगेंस्ट था, तो मेरे लिए बहुत टफ था. जब पारस वापस आ गया ना, दैट आई वाज सो हैप्पी. एंड मैं मतलब मुझे ऐसा लगा कि ओ गॉड मेरी फैमिली वापस आ गई. सो वो बहुत अच्छा था. और बिग बॉस ने जब मेरे बर्थडे पे मुझे विश किया था, क्योंकि मैं बोल रही थी बिग बॉस मुझे विश कर दो प्लीज़, तो उन्होंने उसी टाइम पे सीधा मुझे बर्थडे विश किया, तो वो भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है. बस झगड़ा हो जाता था, कभी रो लेते थे, कभी चीज़ें सॉर्ट कर लेते थे. और वीकेंड पे तो सलमान सर बता ही देते थे कि क्या सही है और क्या गलत, तो मैं मैक्सिमम टाइम वीकेंड का ही वेट करती थी. लेकिन वो उस घर में इतनी पोकिंग होती है, तो फिर वो चीज़ों में झगड़ा हो ही जाता था, तो कर लेते थे झगड़ा और फिर चुप करके साइड में बैठ जाते थे. लर्न फूड, खाना बनाना सीखा है मैंने, पॉटी पराठे इन द मॉर्निंग अलोन. सो और बहुत सारी चीज़ें, पेशेंस रखना, विदाउट फोन के रहना, और बस बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे. काफ़ी बार लोगों ने ये भी आप पे ब्लेम किया कि यू नो सिद्धार्थ के साथ जो आपकी दोस्ती थी दैट वाज जस्ट टू सरवाइव इन द हाउस, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल फेल्ट कि सिद्धार्थ की बहुत अमेजिंग फैन फॉलोइंग थी उस समय और वो बहुत चर्चा में थे. तो अचानक से आपने यू नो काफ़ी लोगों ने तो ऐसा ट्वीट भी किया था जो घर के अंदर थे देवोलीना वगैरह कि इसीलिए आपने और पारस ने पार्टी बदल दी थी. अच्छा, मुझे नहीं पता इस बारे में ऐसा ट्वीट हुआ. मैं इस चीज़ का जवाब यही देना चाहूँगी कि माहिरा शर्मा कभी भी दोस्ती फेम देख के नहीं करती है. और अगर मुझे शो में फेम या फिर एक वो चाहिए होता कि ही इज़ वेरी पॉपुलर तो अब इनको दोस्त बनाओ, तो मैं डे वन से उन्हीं को पकड़ती, पारस को नहीं. मेरी जेन्युइन फीलिंग थी, मेरी जेन्युइन दोस्ती हुई. और मैं रश्मि से भी झगड़ा नहीं करती, जो कि अंदर के घर के कुछ लोग हैं जिन्होंने स्ट्रैटेजी के अनुसार किसी से झगड़ा नहीं किया, क्योंकि मुझे ही हमेशा मेरे ही झगड़े हुए, मुझे ही टारगेट किया जाता था. पता नहीं बाहर क्या लगता था लोगों को क्या नहीं, बट मेरे को जिसके लिए रियल फीलिंग थी मैं हमेशा उन्हीं के साथ रही हूँ. पहले मेरी उससे बात की नहीं बनती थी तो मैं उनके अगेंस्ट रही हूँ, और जब मेरी उनसे बनना शुरू हुई, जब भी वो अच्छे नोट पर आए और मैं भी अच्छे नोट पर आई, तो हमारी बनना शुरू हो गई और मैं एक्चुअल में उनके लिए स्टैंड लेती. तो हमको तो ये भी पता चला था बाहर के आसिम की बड़ी फैन फॉलोइंग है, लोग अंदर आते थे बताते, तो मैं आसिम को भी बहुत अच्छा दोस्त बना लेती. बट उसने, मैंने जब भी उसके लिए कुछ किया है, इज़ वेरी नाइस गाय, बट चाहे चिट्ठी हो, चाहे मुझे पैसे दे के सेव करना हो, चाहे कुछ भी हो, जैसे मैंने उसको टास्क में बचाया था, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लग रही थी, मैं उसके लिए रोई भी थी, तो मेरी जेन्युइन फीलिंग थी. मैं डे वन से उसको बोलती थी कि तू मेरे वहाँ से, तो मुझे तेरे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, मतलब एक है कि यार ये अपने वहाँ का है. बट उसने कभी भी मेरे लिए शो में वो चीज़ नहीं की रिटर्न में, तो मुझे हर्ट ही हुआ, इसलिए मेरी उससे कभी शो में नहीं बनी. हमने सोचा था कि बाहर जाके दोस्त बनेंगे, तो मैं उसको भी दोस्त बना लेती ना अगर आसिम की इतनी फैन फॉलोइंग थी बाहर, बट नहीं बनी हमारे अंदर. सिद्धार्थ के साथ रियल दोस्ती बन गई तो है, और पारस के साथ भी है तो है, वो किसी चीज़ के लिए नहीं है, क्योंकि फिल्म देख के मैं दोस्त नहीं बनाती. मेरे लिए एक वाइब होती है, जो मैच होगी तो दोस्त बन गए. सो
people also thought that you know you and Paras were more than friends in the show. लोगों को ये लगा कि you know आप लोग सिर्फ दोस्ती का नाटक कर रहे हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए actually feel करते हो. आकांक्षा ने भी बाहर ये बोला कि दोस्तों के बीच में love bites और इतनी kisses नहीं होते जो माहिरा और पारस के बीच में होते. Love bite हुआ कब ये तो मुझे भी नहीं पता. यही तो बात है कि सिद्धार्थ पारस और सब मस्तियाँ करते थे मेरे साथ, तो मुझे एलर्जी भी हुई थी बीच में. तो सिद्धार्थ साहब के तुझे लव बाइट है, मैंने कहा कहाँ है लव बाइट, तो मैंने कहा मत बोलो यार, क्योंकि हम लोग मस्तियाँ करते हैं बिकॉज दोस्तों में मस्तियाँ होती हैं. अब हम कैमराज के सामने 24 घंटे तो वो बाहर दिखाई जाएगी, तो मैंने कहा मत करो क्योंकि दुनिया उसको गलत तरीके से ले लेगी, उनको लगेगा सच में लव बाइट है. तो उस चीज़ का मुझे नहीं पता, बाहर मुद्दा भी बन गया. लव बाइट कोई नहीं थी और किस वस की बात रही. तो हम बहुत कंफर्टेबल हो गए थे उसके साथ, मतलब हम दोनों का एक फ्रेंड जोन था. मैं उसको बोलती थी देख तू मुझे किस करता है, मुझे तेरी फीलिंग पता है. लाइक मेरे को वो टच से लड़कियों को समझ में आता है कि वैसा कुछ नहीं, तो मुझे पता है कि वो वैसा टच नहीं है तेरा, तो मुझे अच्छा लगता है. लेकिन लोग उसको गलत लेंगे बाहर, और फैमिली जब आप 4-5 महीने एक शो के अंदर हो ना, बाहर से लोगों के ओपिनियन बहुत आते हैं क्योंकि वो बाहर रहते हैं, उनके साथ काफ़ी लोग होते हैं, उनकी फैमिली होती है. लेकिन उस घर में अकेले रहना 4-4.5 महीने बिना फैमिली के, और तब जब लोग आपको बहुत ही टारगेट करते हो, आप हमेशा अकेले. और मैं मॉम से बहुत हमेशा पैम्पर हुई हूँ, तो मैं बहुत अकेली और मैं सबसे छोटी थी घर में, तो मुझे अगर मेरा दोस्त इसे पैम्परिंग कर रहा है तो मेरे को नहीं लगता वो कोई गलत था. बट लोगों को लगेगा क्योंकि वो बाहर से देख रहे थे, पर अंदर हमको एक ह्यूमन टच चाहिए होता. मैं शिफाली को भी किस करती थी, मैं रश्मि को भी किस करती थी, वो भी मुझे करते थे. वो नहीं करेंगे बिकॉज वो लड़कियाँ हैं. अब दोस्त ने कर दिया लड़के ने तो ओ मोर देन फ्रेंड्स. आपकी और शहनाज की एक टाइम पे बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी. हमने देखा कि आप काफी बार उनकी तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया आपने, लेकिन शायद उनके तरफ से वो आपको सेम फीलिंग नहीं मिली. तो अब क्या इक्वेशन है आप दोनों का? अभी वो शो के अंदर तो हमारी बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन मैंने वही कहा कि मेरे को जिससे फीलिंग आती है मैं उसको दोस्त बनाती हूँ. तो मुझे उससे आई थी जब वो सिद्धार्थ और पारस नहीं थे, तो जनरली हमने एक दूसरे को जाना, हमारी दोस्ती बनी अच्छी. बट फिर मुझे ये सुनने को मिला कि वो पीछे से मेरे लिए बोल रही थी कि जब तक पारस नहीं है तब तक मैं इसके साथ हूँ. तो वो मुझे बहुत हर्ट कर गई चीज़, क्योंकि सीक्रेट रूम में पारस और सिद्धार्थ थे तो उन्होंने ये चीज़ देखी थी. तो मुझे ये चीज़ बहुत हर्ट हुई कि मैं दिल से थी उसके साथ. अब उन्होंने एक टास्क में ये भी कहा था, मैंने कहा दोस्त बोलती है ना, क्योंकि कैप्टन सी में एक बार उन्होंने कहा था कि पारस और सिद्धार्थ को बाथरूम में जब रो रही थी कि हमेशा उसकी सुनते हो, उसको कैप्टन बनाना ये वो. तो मैं बाहर गई और मैंने अपनी फ़ोटो उठाई और मैंने फेंक दी कि मुझे नहीं बनना है कैप्टन, इसको बनना ठीक है. और वैसे ही मास वाले टास्क में भी हुआ था कि जब विशाल उनसे वो सब कर रहे थे तो मैंने उनका सेव किया था पानी, तो वॉशरूम में आकर उन्होंने कहा था कि आपने मेरी हेल्प की है तो माँ कसम आप कैप्टन बनने में मैं आपकी हेल्प करूँगी. तो मैंने बोला कोई बात नहीं यार. तो उसी दौरान मकड़ी वाला टास्क हुआ जहाँ पर किसी एक को निकालना था कैप्टन सीट से, शी सेड माहिरा. फिर मैंने बोला तूने मेरा नाम लिया लाइक सीरियसली, सडनली शी सेड के नहीं शिफाली. तो वही चीज़ें मुझे थोड़ी बुरी लगती थी. जैसे अभी हमारा इम्यूनिटी वाला टास्क भी था, पारस और मेरा हाथ बाहर निकल गया, ऐसे हम पे ब्लेम लगाए जा रहे थे जो कि सबके निकल रहे थे, बट हमारा खाली हाथ ऐसे रखने पे हमें बोला कि हाथ बाहर निकल गया. उन्होंने ही कहा कि मैंने ही बोला कि हाथ बाहर निकलेगा तो उन्हें निकाल देना. मैंने ये दोस्त ने मारा तो शी सेड के दोस्त समझा ही नहीं कभी. तो ठीक है अगर उन्होंने नहीं समझा तो मेरे को कोई मसला नहीं है. जो दोस्त है वो रहेगा मेरे साथ, जिनको नहीं मेरा दोस्त बनना तो कोई बात नहीं, कोई मसला ही नहीं है. हम जब वो टास्क आया हम दोपहर में ही मैं और विशाल सालसा डांस कर रहे थे. तो रात को वो टास्क आ गया कि हम दोनों को डांस करना है, तो पारस को डायरेक्टर बना दिया. अब पारस डायरेक्टर मतलब तो मतलब वो परफॉर्मेंस रेडी होते होते हमारा आधा चंक बच गया, क्योंकि वो दोनों ही इतना झगड़ रहे थे आपस में रोमांस करते. मैंने कहा तुम दोनों कर लो ये, मैं रहने देती हूँ. तो बस मजा आया था क्योंकि विशाल अपनी क्रिएटिविटी बता रहा, पारस अपनी क्रिएटिविटी बता रहा था, मैं अपना ही लगी हुई यार छोड़ो ना तुम दोनों, और वो दोनों आपस में रोमांस कर रहे. तो वो बहुत फनी था. अच्छा एक्सपीरियंस. फैंस आल्सो स्टार्टेड ट्रेंडिंग विहीरा विशाल एंड यू. अच्छा और सोशल मीडिया. अच्छा ओके. अभी कि पहले हुआ था?
अच्छा सो क्यूट. हाँ अच्छा, मतलब ठीक है, हम लोगों को सबके अपने अपने फेवरेट्स होते हैं. कभी पाहिरा होता है, कभी असीम, पता नहीं किस क्या हो. कुछ कुछ मैं देख रही थी कि काफ़ी सारे बनाए अब, जिनको विशाल पसंद है वो हीरा बना रहे हैं, तो अच्छा लगता है. How has been life after Big Boss? किस-किस से मिले हुआ? अभी मैं किसी से ज़्यादा मिली तो नहीं हूँ, बट एक अवार्ड भी गई थी और उसके बाद एक फोटोशूट हुआ है और स्पायरल, ये सब में थोड़ा सा मैं बिजी थी, लेकिन अभी मैं वापस से अपने काम की और अपने हाथ पैर नज़र सब बढ़ा रही हूँ, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं बिग बॉस के बाद, कॉन्ट्रोवर्सीज एंड ऑल, जिसमें मैं जिन चीज़ों से डरती थी वही चीज़ें मेरे साथ बाहर आने के बाद हो रही हैं. तो मुझे थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि मैं जो अंदर करके आई, लोग वो नहीं देख रहे हैं कि 4-5 महीने एक लड़की अंदर है क्या, ये उसका मेंटली स्टेटमेंट क्या होगा. अभी मेंटल स्टेटमेंट उसका अभी वैसा है कि उसको एटलीस्ट थोड़ा सा यू नो उन चीज़ों से दूर रखूं, बट लोग ब्लेम लगा रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं. इट्स ओके, आई एम फाइटर. मैं अंदर भी स्ट्रांग थी, मैं बाहर भी स्ट्रांग हूँ, मैं इस चीज़ से निकल के आगे बढ़ूंगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है. आप जो अंदर थे तो आपकी कुंडली भाग्य की भी कास्ट ने काफी आपको सपोर्ट किया, आपके वो सपोर्ट करने के लिए बात हो या फिर आपके आपको बेस्ट विशेस देने की बात हो, श्रद्धा, अंजू, संजय, सबने आपके लिए वीडियोस शेयर किए, ट्वीट्स किए, क्या कहेंगे आप? मैं खुश हूँ कि मेरे दोस्तों ने मुझे सपोर्ट किया बाहर, और मैं चाहती हूँ कि वैसे ही मुझे सपोर्ट करें हमेशा, और आई एम हैप्पी. Who has been your style inspiration? Mine? ऐसे कुछ specifically नहीं है, because I actually followed Arab girls. मुझे उनके कपड़ों का styling, उनका makeup का styling बहुत पसंद है, because वो थोड़ा different होता है. So yeah, Arab girls. And fans want to know what tips would you share for hair care? स्किन केयर तो मेरी अंदर बहुत ख़राब हो गई थी, बट स्किन केयर के लिए आई डोंट अप्लाई लाइक मच थिंग ऑन माई स्किन. आई ऑलवेज बिलीव कि जितना आप अपनी स्किन को नॉर्मल रखोगे वो आपके लिए बेटर है, बिकॉज यंग गर्ल्स के लिए तो एटलीस्ट उनको मॉइस्चराइज़र, और अगर आप मेकअप भी करते हो तो आपको बहुत लाइट मेकअप करना चाहिए, ज़्यादा नहीं. और स्किन हेयर के लिए नॉर्मल शैम्पू, और अगर आप अंडे भी अपने हेयर पर लगाओगे तो आपके हेयर सॉफ्ट हो जाएंगे. सो आई तो ऑलवेज अप्लाई कलर एंड ऑल, तो आप लोग मत करना, वो सजेशन दूंगी मैं. आप घर में बहुत ज्यादा लोगों का हेयर वगैरह की तरफ उनके चाहे कलर करना, हाँ ये तो मतलब क्या पहले से ही थे गुण? हाँ नहीं, एक्चुअली मुझे मेरे को हेयर स्टाइलिंग का बहुत वो था पहले, मतलब मैंने सीखी हर चीज़ है, लाइक मुझे हर एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, मुझे पसंद है वो सब चीज़ें. तो अंदर लड़कों के हेयर कट होते थे, मैं कर देती थी, आसिम का, पारस का, कभी सिद्धांत का, तो जो भी लड़के थे. विशाल का हेयर कट किया था मैंने, जैसे शाहिद कपूर ने उस फिल्म में किया था गबरू, मतलब वो उसमें, तो मैंने सेम उसका हेयर कट वैसे किया. हेयर कलर करना हो तो मुझे अच्छा लगता है. इवन स्टार्टिंग के डेज में तो मैंने लड़कियों के हेयर स्टाइल भी बनाया, टोंग से ट्विस्ट करके, वो मुझे अच्छा लगता था. फिर बाद में हम थक गए, हमने कहा बस हो गया. बात करें आपकी और शिफाली की दोस्ती की, बात करें या फिर पारस, एक बात लोगों ने बहुत आपकी अप्रिशिएट की कि आप अपने फ्रेंड्स के लिए लॉयल रही हैं, लेकिन काफी लोगों ने उस चीज को क्रिटिसाइज भी किया. जैसे विशाल ने बाहर आके बोला कि माहिरा इज द मोस्ट टॉक्सिक पर्सन इन द हाउस, क्योंकि उनको ऐसा लगता था किसी का भी झगड़ा होता था तो आप उसमें बीच में कूद पड़ती थी, लेकिन आप हमेशा उस बात को ये सफाई देती थी कि मेरे दोस्तों से रिलेटेड जब जब झगड़े होंगे मैं उसमें पढ़ूंगी, क्योंकि बाकी लोग भी वो करते थे घर के. आप क्या कहना चाहेंगे? विशाल का कहना कि मैं टॉक्सिस थी, क्योंकि आज दिन तक आप तो शो में भी देख सकते हैं कि कभी सलमान सर और बिग बॉस ने भी उनके लिए एग्जांपल कैसी सेट की थी, कि उनको सबसे ज़्यादा नॉलेज है, जब वो बात करते तो समझ में आती है, क्योंकि हमें तो नहीं आती थी. और उनको हम क्या, मेरी और उनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी शो में, लेकिन बीच में इसीलिए ख़राब हुई बिकॉज सिद्धार्थ के साथ भी बहुत अच्छे दोस्त थे. सिद्धार्थ को तो डे वन, मतलब थोड़े दिनों में ही समझ आ गया था कि वो किस तरह का थॉट रखते हैं, वो किस तरह से सोचते हैं. तो उनको कुछ कहते थे, हम तो उनको समझ नहीं आता था. अगर उनसे बात कर रहे हैं एक ही,
सीधा डी पे पहुंच जाएंगे। संचालक तुम बने हो मकड़ी और हटास में, और तुम बोल रहे हो कि आपने तो आई थिंक वो एपिसोड देखा ही होगा कि क्या हुआ था, बिग बॉस ने भी क्या बोला था। तो उनको चीजें कभी समझ नहीं आती थी, उनको अगर मैं कुछ समझाती थी उनको गलत ही लगता था। तो अपने दोस्तों के लिए जब मेरा अगर कभी आसिम से या रश्मि से झगड़ा हुआ तो आसिम और विशाल सब आ जाते थे बीच में, लेकिन अगर कभी झगड़ा सिद्धार्थ के साथ हो रहा है या फिर कभी पारस के साथ हो रहा है तो मैं बीच में आऊंगी। उन लोगों ने एक टैग बना लिया था कि क्या होता है ना उस घर में एक चीज को उठाने के लिए कि जो वीकेंड पे बोलो बाहर लोग वही सोचे, ये लोग एक मुद्दा बनाते थे बैठ के तोड़ने की। तो मेरी और पारस की भी दोस्ती बहुत कोशिश की, बहुत सारी चीजें होती थी तो वो मुद्दा बनाते थे कि चलो अब ये बोलना शुरू करते हैं कि माहिरा हर एक के उसमें आ जाती है, माहिरा हर एक के उसमें आ जाती है। फिर ये खत्म हो गया, फ्लॉप हो गया आइडिया, फिर बोलना शुरू किया कि माहिरा से तो बात ही नहीं कर सकते क्योंकि पारस ही बीच में आ जाता है। अब तुम लोग खुद क्लियर नहीं थे तो हम क्या बोले। सो मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर उनको मैं टॉक्सिस लगती थी क्योंकि वो मुझे समझ ही नहीं आते थे कभी, तो उनका ओपिनियन मेरे लिए इतना उस टाइम पे मैटर नहीं करता था। अभी तो ठीक है दोस्त है। और जब आप घर के अंदर थी तो आपकी मम्मी ने जैसे आपको कहा था कि थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करो पारस के साथ, ये वो, उसको भी काफी गलत तरीके से बाहर लिया गया और काफी लोगों ने ये भी ब्लेम किया कि आप वजह रही पारस और आकांक्षा के ब्रेकअप की, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं इस पे एक चीज मुझे क्लियर करनी है, अगर मैं वजह होती ना पारस के ब्रेकअप की तो शायद मैं उसकी गर्लफ्रेंड होती, क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ, मैं मुंह पर बोलती हूँ हर चीज़। मुझे इस चीज़ का एहसास था इसलिए शायद मैं उसके साथ नहीं थी अंदर, और मैं उसके साथ वो नहीं रखना बिकॉज आई नो मैं एक लड़की की फीलिंग समझती हूँ। और दूसरी बात, मेरी मॉम ने डिस्टेंस रखने को नहीं कहा था, मेरी मॉम ने कहा था कि जब आपको ये लोग वीक बोलते, बिकॉज आई नो यू आर स्ट्रांग, बट आपको जब ये लोग वीक बोलते लाइक घर के लोग तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो आप अपने लिए खुद स्टैंड लो। उन्होंने वैसा कोई डिस्टेंस नहीं कहा था, कहते मुझे पता है कि किस नॉर्मल है या जो भी है, लेकिन बाहर लोग उसको गलत बताते हैं, तो उनका कहने का ये मतलब था। और रही बात, मैं अगर रीज़न होती पारस के ब्रेकअप का, मैं नहीं होती तो आप तो जानते कोई और तो ज़रूर होती उस घर में, क्योंकि मैं तो फिर भी दोस्त थी, बाकियों को तो प्यार हो गया था पारस से, है ना, तो मैं दोस्त थी उसकी सिर्फ, तो मैं ही रीज़न हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बाकियों पर प्यार निछावर करना और मुझ पर हेट निछावर करना कि मैं रीज़न थी, आप शुक्र करो कि मैं रीज़न नहीं बनी, क्योंकि अगर मैं नहीं होती ना वहां पर तो रीजन कोई और बन चुका होता, अभी तक तो पता नहीं क्या क्या हो गया होता। तो वो चीज अपने ज़हन में रखूं। आपको लगता है कि आकांक्षा ने भी जिस तरीके से बिहेव किया, क्योंकि पहले आकांक्षा ने ये खुद कहा कि उनकी और पारस की स्ट्रैटेजी थी, दोनों ने मिलके ये तय किया था कि वो घर के अंदर जाएंगे, लड़कियों के साथ थोड़ा फ्लर्ट करेंगे, और फिर वो खुद ही बैक ट्रैक हो गई ये बोल के कि वो अंदर जाके मुझे चीट कर रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मुझे वही जब वीकेंड पे बात निकली थी ये, तब सलमान सर ने कहा था, मैं मुझे ना पारस ने मुझे उस पर ट्रस्ट क्यों है, क्यों वो मेरा इतना अच्छा दोस्त है, क्योंकि मैं उसको अब इन एंड आउट जानती हूँ, वो अगर सोच भी रहा होता है ना कुछ तो मैं यूँ बता देती हूँ कि वो तू तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो उसने मुझसे एक एक चीज़ बताई थी, उसने ये नहीं कहा था कि मैं अंदर जाके लड़कियों के साथ ये करूँगा, कौन अपनी गर्लफ्रेंड को ये बोलेगा और कौन सी गर्लफ्रेंड ये टॉलरेट करेगी, मैं तो नहीं करूँगी। उसने ये कहा था, मे भी उन लोगों के बीच में रिलेशन अच्छा था या नहीं मुझे नहीं पता क्योंकि उनका पर्सनल मैटर, लेकिन उसने पारस ने मुझसे ये कहा था कि मैंने उनसे ये कहा था कि हम दोनों के बीच में कुछ सही नहीं है और मैं से छोड़ के जाऊंगा तो फिर पीछे से चीज़ें होंगी, लेकिन अगर अंदर मुझे कोई पसंद आ गई ना तो मैं उसके साथ कैरी ऑन करूँगा, उसने ये चीज़ कही थी, ये पारस ने मुझसे कहा था। पर उन्होंने ये कभी प्लानिंग नहीं बनाई कि मैं अंदर जाके ये करूँगा और उनकी गर्लफ्रेंड भी मान गई तो फिर पता नहीं ऐसी कौन सी गर्लफ्रेंड कहाँ मिलती है, क्योंकि मैं तो ऐसा नहीं करती। पता नहीं। अगर ऑफर हुआ तो? Let's see. पाइपलाइन में है कुछ? पाइपलाइन पाइप ही नहीं है, पाइप ही नहीं है अभी तक तो। ओके, लास्टली एनी मैसेज टू फैंस हु हैव सपोर्टेड यू ऑल दिस व्हाइल और जिन्होंने इतना प्यार दिया है? फैंस से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग भी सबकी हो रही है, जो कि
किसी और का फैन है और मुझे पसंद नहीं करता, किसी और का फैन है वो किसी और को पसंद नहीं करता, तो ऐसी ट्रोलिंग बहुत हो रही है, तो हम उस चीज़ का जवाब नहीं दे सकते और हमें देना भी नहीं है क्योंकि वो इतने वर्थ भी नहीं हमारे लिए। बट आप लोग जिस तरह से हमारे पिक्चर्स को लाज हमें सपोर्ट करते हैं, इवन जो अभी मैटर हुआ उसमें भी आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं इस चीज़ से बहुत हर्ट हूँ और आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है। क्योंकि मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि मैं कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करूँगी कि जिससे मेरी वजह से मेरे फैंस को हर्ट हो। कोई भी ऐसा अवार्ड मैं खरीदूँगी या फिर छुपके से नहीं लूँगी जिससे उनको हर्ट हो, क्योंकि ये चीज़ पब्लिकली मतलब आएगी और मैं भी एक पब्लिक फिगर हूँ, तो मैं ऐसी चीज़ें ना करूँगी, ना किसी को हर्ट करूँगी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए मेरी फैमिली है, मैं उनका नाम बनाने गई थी और इन सब चीज़ों से मुझे नाम बनाना है, बिगाड़ना नहीं है। तो मैं ऐसी कोई भी चीज़ ना मैंने की है, बस आप जैसे सपोर्ट कर रहे हो वो सपोर्ट करते रहो और इस चीज़ की क्लेरिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिलेगी क्योंकि माहिरा शर्मा झूठ नहीं बोलती।